क्लॉट्स शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन, सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। लॉट शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए लॉट्स शूज एंड बैग्स। भिवंडी में एक सरफिरे ने खान कंपाउंड में चाकू से एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार खान कंपाउंड के रहमानिया मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद अंसारुल्लाह अंसारी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हाथ में हथियार लेकर पड़ोस में रहने वाले कमरुज्जमा अंसारी के घर में घुस गए और कमरुज्जमा पर हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान उनकी बीवी और बच्चों पर भी हमला किया गया। बीच बचाव करने के लिए आए इम्तियाज खान पर भी हमला कर दिया। इस हमले में कमरुज्जमा 43 वर्षीय और इम्तियाज खान 35 वर्षीय की जान चली गई, जबकि कमरुज्जमा की बीवी हसीना अंसारी 38 वर्षीय, बेटियां अरीबा 15 वर्षीय और अफीफा 11 वर्षीय और बेटा रेहान 14 वर्षीय, ये 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं जिन्हें इंदिरा गांधी अस्पताल में भर्ती किया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में बंद आरोपी को दरवाज़ा तोड़कर गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी चंदा वसूली किया करता था। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आरोपी मानसिक रूप से ठीक नहीं था, वहीं कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक थी। बहरहाल इस दोहरे हत्याकांड के पीछे जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लोग उससे कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। आप यहाँ पर जांच पड़ताल की क्या जानकारी मिली आपको? नहीं, बहुत दुखद घटना है। क्या एक आदमी आता है और वो पाँच छः जन पे जैसा दिल में आए वैसा वार करते रहता बेरहमी से, तो ये बहुत गलत बात है। तो उसके वजह से पूरा माहौल उधर का ख़राब हुआ है और 5 जन पे वार करने के बाद उसमें 2 जन की मृत्यु हो गई। तो दोनों जन, एक जन तो बचाने आया था तो भी उसको, और 5 जन को ऐसा मारा है चाकू से, है ना, एक वार नहीं किया, वार करते गया, लेकिन अभी 3 जन अभी हॉस्पिटल में है, उनका अभी थोड़ी तबीयत ठीक है क्या कैसी, अभी तो हमने देखने नहीं गए, लेकिन इधर 2 जन ऑफ हुए उसको देखने आए। क्या कहेंगे जिस तरह से लोगों का मानना है कि साइको है, इसके पीछे क्या है, मतलब क्या? साइको भी कौन नहीं है, वो है अच्छा ही आदमी था, इतने साल से लोगों से भी उधर आया अच्छा रह रहा है, वो मस्जिद का चंदा भी वसूली करता है, वो हिसाब किताब रखने वाला आदमी साइको नहीं हो सकता। अभी उसको क्या गुस्सा है क्या है वो तो पुलिस इंक्वायरी करेगी, लेकिन वो साइको नहीं है, वो इंक्वायरी करेगी उसमें मालूम पड़ेगा क्या है, लेकिन हकीकत में अभी उसने जो किया है वो गलत है। इसके लिए DCP साहब से अभी हमने बात किया, DCP साहब जो गुनहगार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसी सजा हो, और ऐसा काम करने वाले को फांसी होनी चाहिए, ये हमारी भी मांग है, क्या इसको फांसी होनी मांगते, इसको जिंदा रह के कोई हक नहीं उसको, जो लोगों के दर्द समझता नहीं उसको। ठीक, इसके बारे में जानकारी देंगे क्या हुआ है, किस तरह का? देखिए, आज सुबह के टाइम पे तकरीबन 10:15 बजे के टाइम पे फ़ोन आया कि खान कंपाउंड गैबी नगर रहमानिया मस्जिद चौल के पीछे एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ और जिससे हमारा पूरा एरिया ही नहीं, मोहल्ला ही नहीं, पूरा शहर हिल चुका है, जिसमें एक इंसान ने, जिसका नाम है अंसारी, उसने अपने पड़ोसी के एक इंसान को, उसकी बीवी को, उसके 2-3 बच्चों को बहुत बुरी तरीके से चाकू से मारा है, जिसके अंदर में जो उनके पिता थे उनका एक्सपायर हो चुके, इंतकाल हो गया है, और एक आदमी जो उसी मोहल्ले का पीछे इम्तियाज़ खान करके थे, वो जो बचाने के लिए आए थे, उसको भी चाकू से बहुत बेदर्दी से वार किया है, उसका भी इंतकाल हो चुका है, 2 की डेथ हो चुकी है, और उनके जो बेटी है 2 हॉस्पिटल के अंदर में एडमिट है, उनकी बीवी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, और सीरियस कंडीशन में 6 लोगों के ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है। तो क्या जिस हमलावर है जो, क्या वो नशे का पदार्थ कोई लेता था या कुछ? देखिए, नशे के, जहाँ तक नशे की बात आपने क्या कहा है, वो कोई नशा उशा नहीं करता था और एकदम फिजिकली फिट भी था वो, लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे कि वो मेंटली था, ये था, वो था, अब ये बारे में जो सच्चाई है वहाँ के मोहल्ले के लोग सही बता सकते जो आस पड़ोस में रहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, स्थिति उसकी बहुत सही दिख रही थी मुझे, और जब मैं खुद उसको घर के अंदर में जाके उसको घर से निकाला हूँ, और उसने मुझे खुद ये कहा था कि भाई पुलिस को या पब्लिक मुझे मारना नहीं चाहिए, तो जब एक आदमी ये बोल सकता है कि मुझे मारना नहीं चाहिए, तो फिर मारते टाइम उसको समझ में आना चाहिए कि भाई मैं किसी को मार रहा हूँ, वो भी इंसान है, उसको भी जख्म लगेगा।
तो ये मामला हुआ है। फिलहाल अभी आरोपी को ताबड़तोक, जब मैंने मुझे मालूमात पड़ी ये मामला का, तो मैंने शीतल राव साहब हमारे शांतिनगर के इंचार्ज को फ़ोन किया, एपीआई कबाड़ी साहब को फ़ोन किया, तो उन्होंने 10 मिनट के अंदर में पुलिस स्टेशन पुलिस को भेज दिए थे ऑन द स्पॉट। और पुलिस आते ही साथ वो घर के अंदर में उसको लॉक करके रखे थे स्थानीय लोगों ने, उस घर को तोड़ के उसको निकाला गया और तब वही टाइम पर वो अरेस्ट हो गया। क्या मतलब क्या उसके पास क्या हथियार था? उसके पास एक धारदार चाकू थी, ऐसा सुनाई में आया, चाकू से उसने वार किया। वो पुलिस ने उतनी भीड़ के अंदर में क्या जब्त करी है, क्या लेके गई है, वो पुलिस आपको बता सकती है। के भिवंडी के जितने भी आप पत्रकार भाइयों, आपके ज़रिए से अपने शहर की जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूँ, दिली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हादसा हमारे मोहल्ले में जो हुआ है, उसके अंदर में जो जिन परिवार के लोगों का डेथ हो चुकी है, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई मर्डर हुआ है, तो वो परिवार की स्थिति जो थी बहुत ही बस से बदतर हालत में थे, बहुत ही गरीबी गरीब थे, और जिसकी डेथ हुई है उसके 5 बच्चे थे, एक के 4 बच्चे, एक के 6 बच्चे थे और एक के 4 बच्चे थे, वही अकेले कमाने वाले थे और अपना पूरा घर चलाने वाले थे, उनका कोई जरिया कमाने का नहीं है। और अभी आगे तो ये हालत हो गई कि उनका घर कैसे चलेगा। तो मैं हाजी इस्माइल मिर्ची पूरे भिवंडी शहर की आवाम से अपील करता हूं कि एक शहर के नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए हर कोई आगे बढ़ के ऐसे परिवार की मदद करे आर्थिक स्थिति से, और हम लोगों को ताउन करना चाहिए कि इनके बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, इनका घर कैसा चलेगा, ये हमारी एक जिम्मेदारी बनती है। तो मैं पूरे शहर के लोगों से अपील करूँगा कि आगे बढ़ के जो लोग ताउन करना चाहते हैं ऐसे गरीब हालत के अंदर में, और जिनके घर का जो सरप्रस्त था उनकी उसका मर्डर हो गया, अब उनकी हालत कैसे चलेगी आगे, तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे बढ़ के इस परिवार की मदद करें। और मैं खुद मदद करना चाहता हूँ कि दोनों परिवार के लोगों को मैं 1-1 लाख रुपए का मुआवजा मैं अपने तरफ से मदद करूँगा, और शहर के हमारे जो भी नगर सेवक है या जो सामाजिक लोग हैं, हमारे शहर के आमदार हैं, हमारे शहर के खासदार हैं, सबसे मेरी दिली अपील है कि आगे बढ़ के अपने भाइयों की मदद करें, जिस तरीके से जो भी कर सकता है वो आगे बढ़ के आओ कि हमारे पास जो भी रकम होगी तो कम से कम उनका परिवार के बच्चों की पढ़ाई होगी, जो इलाज आज उन लोगों को लग रहा है उनकी क्रिटिकल कंडीशन है, कई लाख रुपए का खर्चा होगा तो उनका होगा, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। और हमारा इस्लाम धर्म यही सिखाता है कि अपने पड़ोसी की मदद करो, ऐसे वक्त उनको ज़रूरत है। आपने जो पूछे बहुत सही पूछे, आपसी रंजिश इस परिवार का आजू बाजू से कुछ नहीं था, कोई तूतू में कोई झगड़ा, कोई लेन देन, कोई विवाद आज तक कभी हुआ ही नहीं है।